तो क्या संविधान निर्माताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या वो सपना पूरा हो गया या वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ जब सर्वे करके देखते हैं तो सर्वे से रिजल्ट ये निकल कर आता है कि आज देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जितने जजेज हैं 99% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। जितने देश के अंदर सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर प्रोफेसर्स जो देश का निर्माण करते हैं, जब उनका सर्वे किया गया 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी स्कूलों से बेहतर शिक्षा का स्तर देश में पहले नहीं था, फिर सरकारी शिक्षा को कमजोर क्यों किया गया? सरकारी शिक्षा नीति में बदलाव करके प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा क्यों दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग 3,500 साल तक जिन्होंने जाति की वजह से देश में गुलामी का जीवन जिया, 3,500 साल तक जाति की वजह से उत्पीड़न झेला, जो 3,500 साल तक काम करते रहते थे एक दिन में 18-18 घंटे और काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, लेकिन संविधान बन जाने के बाद जब वो संविधान की दृष्टि से समान हो गए, जब उनके पढ़ने लिखने के रास्ते खुल गए और गरीब से गरीब के परिवार के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनने लगे, तब जातिवादी मानसिकता के लोगों के पेट में दर्द हो गया और वो सोचने लगे कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, जज, इंजीनियर और कलेक्टर बनेंगे तो उनके बच्चों के सामने कंपटीशन हो जाएगा, फिर उनकी फैक्ट्रियों में और उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। और उन्होंने साजिश रच के हमारे लोगों के हाथ से एक झटके में दो चीजें छीन ली। वो दो चीजें क्या थी? वो दो चीजें वो थी जिन्होंने हमारे 3,500 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारे विकास के रास्ते खोलकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। जब हम लोगों को स्कूलों में प्रवेश मिलना शुरू हो गया, हम लोगों को सबके साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलने लगा, तो हमारे लोग पढ़ लिख कर, मेहनत कर बाबा साहेब का कहना मानकर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो पहली बात कही थी सिर्फ बनो, लोगों ने इसको गंभीरता से लिया। लोगों ने कहा कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे बारे में कोई गलत राय बनाए। और उसका असर यह हुआ कि जब लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना मानना शुरू किया तो हमारे लोग जज बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, टीचर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे। हर क्षेत्र में हमारे लोगों ने अपने पराक्रम के, अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। लोगों के पेट में दर्द हो गया, उन्होंने सोचा कि जो लोग 14-14, 15-15, 16-18 घंटे तक हमारे खेत में और हमारे फैक्ट्रियों में बिना पैसे के काम किया करते थे, 3,500 साल तक जिन्होंने काम के बदले में पैसा नहीं मांगा, जो घर का बचा कुचा खाना उसे मिल गया उसी से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा,
वो लोग आज पढ़ने लगे हैं, अफसर बन के हमारे बराबर बैठने लगे हैं, कलेक्टर बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, इंजीनियर बनने लगे हैं, जज बनने लगे हैं, साइंटिस्ट बनने लगे हैं, और इसके बनने से घर में कुछ पैसा आने लगा। पढ़ने से बुद्धि आई, ज्ञान आया, और घर में जब पैसा आया तो पैसे से आत्मविश्वास आया, और जब पैसा भी आया और ज्ञान भी आया तो लोगों के अंदर न्याय के लिए बोलने की ताकत आई, अपने हक अधिकार के बारे में बोलने की ताकत आई, और लोगों ने काम के बदले में पैसे मांगने शुरू कर दिए। 8 घंटे से ज्यादा काम कराने पर ओवरटाइम मांगना शुरू कर दिया, और जो पैसे नहीं देता था उस जमींदार को कह दिया कोई और मजदूर ढूंढ लो, मैं तेरे खेत में काम नहीं करूंगा। उस बड़े जमींदार के पेट में दर्द हो गया, इसके बोलने की ताकत आ गई। जो हजारों साल से बेजुबान था, बोलता नहीं था, पिटता था, मार खाता था, लेकिन बोलता नहीं था, पैसे नहीं मांगता था, इसके पास ये बोलने की ताकत। इनके लिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ने का रास्ता खोल दिया, रिजर्वेशन देकर सरकारी नौकरियों का रास्ता खोल दिया, क्योंकि इतना पैसा तो था नहीं कि हम व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश 3,500 साल तक लगा के रहती।